गर्मा गर्म फूली फूली और हरी हरी पूरी देखकर तो मन करता है कि चलो इसे बनाकर खा ही लेते हैं। तो चलिए आज इसे ही ट्राई करते हैं। आखिर ठंड का सीजन है और बथुआ भी मार्केट में बहुत सारे मिल रहे होंगे, तो फटाफट से बथुआ की इस गर्मा गर्म पूरी को बनाकर तैयार करते हैं। बथुए की हरी भरी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बथुए को पीस कर तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम बथुआ लिया हुआ था, जिसकी डंडी अलग करके मैंने इसके पत्ते पत्ते निकाल लिए हैं। फिर इसे दो तीन पानी से अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल के एक सीटी लगाकर इसे उबाल दिया। ये देखिए, कुकर में डालने पे मैंने इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं डाला है, तो इसलिए ये सूखा सूखा, अगर आप इसमें पानी डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। इसके साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हुई है और 4 हरी मिर्च। अब इन तीनों का मैं पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बथुए को पीस के तैयार कर लिया है, इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। इसको पीसने में मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं पानी का यूज़ करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, और आप इसे नॉर्मली मिक्सर में डाल के पीस सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया हुआ है, ये 1/4 टीस्पून से कम जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, ये तीनों मैं इस आटे में डाल दे रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून ऑयल, इसे भी डाल दे रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें ये बथुआ डाल दे रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। पानी का यूज़ मैं बहुत बाद में करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत होगा तो, क्योंकि बथुए में पानी वैसे भी रहता है। इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के मैश करें, अच्छे से, जितनी अच्छी तरीके से मसलेंगे उतनी अच्छी तरीके से ये बाइंड होते जाएगी। ये देखिए, बथुए को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया हुआ है। ये देखिए, ये मिक्स हो गई है, लेकिन अभी आटा बाइंड नहीं हुआ है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जितना ज़रूरत होगा, और इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लिया है, जैसे हम लोग पूरी का लगाते हैं, उस तरह मैंने यहाँ पर एक टाइट डो लगा के तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी पूरी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और आटा भी सेट हो गया है। अब मैं इसे एक बार और मसल के फिर उसकी पूरी बनाती हूँ। तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स कर लेती हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मैं इसके छोटे छोटे लोई तोड़ के तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, सारी लोई तोड़ के तैयार कर ली है। अब ये इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। बॉल्स बनाते हुए ये क्रैक नहीं होना चाहिए, ये क्रैक होगी तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ पूरी वाली रेसिपी में। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे बॉल्स बना के मैंने तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे बेल लेती हूँ। बेलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप चाहे तो सूखा आटा भी ले सकते हैं, ऑयल में बेलने से ये बहुत अच्छे से बेल जाती है, इसलिए मैं ये इसमें ऑयल लगा के और थोड़ा सा बेलन पर भी अब मैं इसे बेल लेती हूँ। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। कोई भी पूड़ी बनाए तो उसे बहुत पतला बेलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। ये देखिए इसकी मोटाई, तब मैं और पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ पूड़ियाँ कर ली है और ऑयल भी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गई है तो अब मैं इसे तल के तैयार कर लेती हूँ। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो गई है, मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देती हूँ, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म है। तो अब मैं एक पूड़ी डालती हूँ, बल्कि देखिए अच्छे से उबाल आ रही है, हल्का हल्का से इसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाए जिससे कि ये फूल जाएगी। तो मैं इसे पलट देती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म है तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से इसका कलर आ गया गोल्डन सा। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं दूसरी पूरी डाल रही हूँ, इसे भी दिखाती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से इसे करते जाएं।
ये देखिए अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गई है, इसे निकाल देती हूँ और बाकी की पूड़ियाँ भी इसी तरीके से तल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए बथुआ की गर्मा गर्म पूड़ी बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप इसे ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।